ट्रेन से सफर करने वाले पैसेंजर्स की परेशानी अभी कम नहीं हुई है, उनकी परेशानी अब भी बरकरार है। युवाओं के उपद्रव के कारण बिहार में बेपटरी हुई रेल व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने में थोड़ा और वक्त लगेगा। मंगलवार को भी पटना, राजेंद्र नगर, दानापुर, पाटलिपुत्र, गया, समस्तीपुर सहित बिहार के अलग अलग स्टेशनों से खुलने वाली काफ़ी सारी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। इनमें कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनका रैक उपलब्ध नहीं है। दानापुर रेल डिवीजन में पटना जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्र, इस्लामपुर से चलने वाली कुल 23 एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेन कैंसिल हैं। इनमें 12 ट्रेन ऐसी हैं जिनका रैक उपलब्ध नहीं है। इनमें दानापुर से बेंगलुरु जाने वाली संघमित्रा एक्सप्रेस, दानापुर टाटा एक्सप्रेस, इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस, इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस, पटना हटिया एक्सप्रेस, पटना अहमदाबाद एक्सप्रेस, पटना अहमदाबाद स्पेशल, पटना भभुआ इंटरसिटी, पटना धनबाद एक्सप्रेस, पाटलिपुत्रा सहरसा एक्सप्रेस, पटना जयनगर, पटना बरकाना एक्सप्रेस, दानापुर साहिबगंज एक्सप्रेस, साहिबगंज दानापुर एक्सप्रेस, दानापुर राजगीर इंटरसिटी, पटना DDU, पटना जोशीडीप, पटना कटिहार, पटना रक्सौल और पटना जयनगर शामिल हैं। समस्तीपुर डिवीजन से चलने वाली 17 एक्सप्रेस और 46 पैसेंजर समेत कुल 103 ट्रेनें कैंसिल हैं। DDU रेल डिवीजन से चलने वाली भी कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। उत्तर मध्य रेलवे से चलने वाली 10 ट्रेनों को भी कैंसिल किया गया है। लोकमान्य तिलक से भागलपुर के लिए चलने वाली 12:33:06 और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से पटना आने वाली 82:35:06 सुविधा एक्सप्रेस को भी 21 जून को नहीं चलेगी। इस कारण दोनों ही ट्रेनें 22 जून को बिहार नहीं आएंगी। बता दें कि सेना बहाली में लाई गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर विरोध कर सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को झेलना पड़ा है। अग्निपथ स्कीम को लेकर आर्मी अभ्यर्थियों ने ट्रेनों को ही निशाना बनाया था। बिहार से चलने वाली कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया था। कई रेलवे स्टेशनों को अपने कब्जे में लेते हुए जमकर आगजनी की गई थी, जिसके बाद से अब तक रेल यात्रियों की परेशानी बरकरार है। पिछले दिनों भी लगातार रेल यात्रियों को घंटों स्टेशन पर ही इंतजार करना पड़ा था, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वहीं आज भी कई ट्रेनें प्रभावित ही रहेंगी। डेस्क रिपोर्ट, बोलता बिहार। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।